हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर लक्ष्मी किचन। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर। इसका लुक और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट की कढ़ाई पनीर जैसा ही आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीबन यहाँ पर फ्रेश पनीर लिया है और इसको मैंने रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कढ़ाई पनीर बनाने से पहले इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो सूखी लाल मिर्च ली है, काली मिर्च, सूखा धनिया, सौंफ, इलायची और इसको अच्छे से हमें सौटे कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएं, उसके बाद हम इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई या फिर पैन रखेंगे, उसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम जो पनीर हमने कट किए थे उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सारे पीसेस को हम एक एक करके रख देंगे ऑयल में। ये कढ़ाई पनीर बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही हमें टेस्ट लगता है। तो अब इसको उलटते पुलटते हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से पनीर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे प्लेट में। पनीर को सॉफ्ट रखने के लिए इनको गुनगुने पानी में भी निकाल सकते हैं, ये एकदम सॉफ्ट रहेंगे। कुछ वेजेस को मैंने यहाँ पर रफली कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर लिए हैं, कैप्सिकम लिया है, गार्लिक लिया है, काजू और ऑनियन लिया है। ऑनियन को मैंने 2 जगह कट किया है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं। अब जो ऑयल बच गया था उसी में हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑनियन के स्लाइस को फ्राई कर ले रही हूँ। इनको हमें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, बस इनका कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम निकाल लेंगे। साथ ही इसके मैं कैप्सिकम ऐड कर दे रही हूँ। ऑनियन और कैप्सिकम को ट्रांसपेरेंट होने तक इनको फ्राई करेंगे, उसके बाद प्लेट में निकाल लेंगे। बस इनका कच्चापन निकालना है, ओवर कुक नहीं करना है। तो देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, इनको निकाल लेते हैं। वापस से बचे हुए ऑयल में हम ऑनियन ऐड करेंगे, 7 से 8 इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे, टमाटो हमने जो रफली कट किए हैं उनको ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें काजू भी ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप इसमें कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करके इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसका प्यूरे बनाना है और इसको ओवर कुक नहीं करना है। इसको कवर करके हमें 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम ब्लेंडिंग जार में इसको डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए प्यूरी बन के रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो वापस से हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर खड़े मसाले ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 2 पिंच इसमें करीबन हींग ऐड कर देंगे। उसके बाद जो प्यूरी हमने रेडी की थी उसको ऐड कर देंगे ऑयल में और उसको अच्छे से मिला लीजिए। 4 से 5 इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो मैंने इसको लंबी शेप में कट कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप में कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे जैसे कि रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो ड्राई मसाला बनाया था उसको भी ऐड कर देंगे और सबको एक बार फिर से मिला लेंगे। आप इसमें मसाला जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही कढ़ाई पनीर में इसका टेस्ट अच्छा आएगा। 5 मिनट के लिए हम ढककर इसको पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे तो इसमें से मसाले में से ऑयल आपको अलग होते हुए दिखेगा। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया था ऑनियन और कैप्सिकम ऐड कर देंगे और इसको मिला लेंगे। इस तरीके से आप घर पर पनीर बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार आप इसको ट्राई करें। अब इसमें एक एक करके हम पनीर ऐड कर देंगे। आप इसमें और अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दीजिए और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, लगभग 1 से 2 स्पून करीबन। उनसे कढ़ाई पनीर में आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैंने यहाँ पर 1 कप के करीबन ऐड किया है। वो पानी को मैंने ब्लेंडिंग जार में डालकर उसी पानी को यूज़ कर लिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे और ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। तो 5 मिनट बाद हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं।
पनीर की ग्रेवी ज़्यादा थिक हो जाती है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं किया है। इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे, तो 1 टीस्पून के करीबन मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। ऊपर से इसके धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर देंगे। तो लीजिए लाजवाब पनीर की सब्जी हमारी बनके तैयार है। अब इसके ऊपर से हम बटर ऐड कर देंगे, इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और टेस्ट भी। अब इसको गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे सर्विंग बाउल या फिर सर्विंग कढ़ाई में। तो लीजिए हमारी कढ़ाई पनीर बनके रेडी है, आप इसको एंजॉय करें लच्छा पराठा नान या फिर प्लेन रोटी के साथ। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।